वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू द सीलिंग. आपने सबसे पहले एक लॉन्ग मेटेलिक वायर ली है, इसकी लेंथ आपको एल दी गई है. द अदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग. इसके नीचे हमने एक मासलेस स्प्रिंग लगाई जिसके नीचे हमने एक मास एम रख दिया. ऑलराइट, नाउ दिस मास हैंग्स फ्रीली एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस इज गिवन. टाइम पीरियड विद विच द मास विल ऑसिलेट इफ इट इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज्ड. देखिए यहाँ पे दिस होल वायर इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्प्रिंग इटसेल्फ. हम अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो वाई डेल्टा एल अपॉन एल इसका मोशन जो भी इसका एलोंगेशन होता है उस पर डिपेंड करता है. तो एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, जिसकी टर्म को मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स वाला सिचुएशन हमको दिख रहा है. तो बेसिकली दिस के वन फॉर द अपर बॉडी या अपर स्प्रिंग इज गोइंग टू बी ए वाई अपॉन एल. नीचे वाले का हम जानते हैं, इसको मैं के बोल देता हूँ ओनली. ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ के इफेक्टिव. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज कुछ बचा नहीं करने को. मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ऑप्शंस में ऐसी कोई टर्म इन तीनों में नहीं है जो आपको इस तरह का आंसर देगी. इट्स क्लियर कि आपका जो लास्ट टर्म है यही आपका आंसर होना चाहिए. तो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ. ऑलराइट.